नमस्कार, हम आनंद घटराज, इस फिल्म के निर्देशक, हम मिलावतनी रवा लोगों के, हमारी फिल्म के लीड एक्टर यानी हीरो सत्येंद्र सिंह से। अच्छा सत्येंद्र जी, आप बताइए इस फिल्म के बारे में आपका किरदार। नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र सिंह। ये हमारी फिल्म घात है और हमारा किरदार है, बहुत एक अच्छे परिवार के हैं और अच्छे ईमानदार हैं। अब मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती है तो हम मैकेनिक का मैं काम कर रहा हूँ और हम कोई भी अत्याचार नहीं देखना चाहते हैं हमारे समाज के खिलाफ। और हमारे ही गांव के शहर के पॉलिटिशियन हमारे साथ घात करते हैं और मुझे इस कदर बर्बाद करते हैं, इतना बड़ा हमको घात पहुंचाते हैं कि वही मैं बदला लेता हूं। और ये सब फिल्म आपको देखने के लिए हमारे सिनेमा घर में आना पड़ेगा और फिर देखिए कि घात का बदला क्या होता है। मैं अभी आप लोगों को मिलाऊंगा इस फिल्म के मुख्य निर्देशक दिनेश केशवानी जी से। जैसे कि ये एक पिक्चर मेरे लिए एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे मैंने इस तरह से लाया हूँ कि एक सिनेमाटोग्राफी जो रहती है उसे बहुत अच्छी तरह इसमें निर्देश किया हुआ है। बाकी मेरे आनंद जी है जिन्होंने उसे एक सराहना और एक तरीके से उसे बनाया है। अभी मैं आपको मिला रहा हूँ दूसरे प्रोड्यूसर हमारे निर्माता विजय कुमार जी से और उनसे पूछूंगा कि इस फिल्म बनाने का किस मकसद से इस फिल्म को ये बनाना चाहते हैं। विजय जी नमस्कार, तो मैं विजय कुमार, मेरा आशीर्वाद मेरे भाई दिनेश केसवानी जी जो उसके निर्माता हैं उनके जन्मदिन पर भी मैं आशीर्वाद अपना देता हूँ। समाज को हम एक नई चीज़ दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एक अन्याय के खिलाफ सच की जीत होती है। अभी मैं आप लोगों से मिलाऊंगा इस फिल्म के सह निर्माता दत्तात्रेय उदयगिरी से। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं दत्तात्रेय बात कर रहा हूँ। कि हर फिल्म निर्माता कोई पिक्चर बनाता है तो वही चाहता है कि ऑडियंस जितना चाहे उसको प्यार दे वो मूवी को। ज़्यादातर मैंने देखा है भोजपुरी मूवी जितने भी बन चुके हैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑडियंसेस ने इनको सराहा है। और जितना हम लोगों ने रिसर्च किया था भोजपुरी मूवी, जिस तरीके से टीम भी फॉर्म हो चुकी थी हमारी टीम में, मैं तो इनफैक्ट आनंद जी को भी इंक्लूड करूँगा, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने उनका टैलेंट इसमें अप्लाई किया है, जिस तरीके से टीम भी फॉर्म हो चुकी थी हमारे साथ, बहुत काबिल एक्टर है जो है सत्येंद्र सिंह जी, फिर हमारे साथ पूनम सिंह जी है जो राइजिंग स्टार मैं जानता हूँ, रजनी मेहता जी है, जितने भी एक्टर्स टैलेंटेड एक्टर्स हमारे साथ थे, टीम जिस तरीके से बन चुकी थी, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये पिक्चर विद इट्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो दिनेश केशवानी ने बनाई थी वो टोटली जस्टिफाई होगी। सारे निर्माता हमारे फिल्म के हीरो और मेरी तरफ से जो भी बात हुई उससे एक ही चीज़ निकल के आती है सामने कि भोजपुरी फिल्मों के ऑडियंस यानी कि दर्शकों का मनोरंजन हो। और मनोरंजन में तीन बात रहती है, मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन। तो मुझे इस बात का पता है कि हमें सिर्फ मनोरंजन ही करना है दर्शकों का, भले उसमें कुछ भी हो। तो ये बात कह के मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म को घात फिल्म को ज़रूर देखें। Planet Bhojpuri.